ये कोई बदमाश या गुंडे नहीं है और ना ही कोई ऐसी भीड़ जो राह चलते मारपीट कर रही है। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों ही इंसाफ के सिपह सलार हैं। एक के शरीर पर है काला कोट तो दूसरे के शरीर पर खाकी वर्दी। दोनों का ही काम कानून की हिफाजत करना है, लेकिन देश में इन दिनों कानून के हिफाजतदार कानून के दुश्मनों की तरह आपस में भिड़े हुए हैं। 2 नवंबर को दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मामूली सी पार्किंग को लेकर हुआ विवाद अब किसी रक्तबीज की तरह फैलता जा रहा है। ये तस्वीरें अलवर जिले की हैं। जवान हैं हरियाणा पुलिस के प्रवीण कुमार। देखिए किस तरह से वकील कोर्ट में मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वकीलों ने न सिर्फ प्रवीण बल्कि एक और पुलिसकर्मी के साथ ही महिला पुलिसकर्मी से भी अभद्रता की। आज सुबह लगभग 11:30 के आसपास 2 कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और एक फरीदाबाद जिले से पेशी पर आए हेड कांस्टेबल द्वारा यहाँ इस कार्यालय में आकर ये बात बताई गई कि भी उनके साथ वकीलों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, जिस पर उन्होंने लिखित में यहाँ पर शिकायत दी है, जिस पर 4 प्रकरण दर्ज हुए जिनकी जांच सीओ ट्रैफिक को दी गई और जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला कांस्टेबल द्वारा है उसमें ये सेक्शंस हैं, खैर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो। वहीं बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि गलती किसकी है। बार काउंसिल के आह्वान पर जो दिल्ली में जो वकीलों का पुलिस का जो संघर्ष चल रहा है उसके उस पक्ष में जो टोकन स्ट्राइक वकीलों की अलवर में शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, आज उस सिलसिले में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल जो एक रैली निकालकर शांतिपूर्ण अपना विरोध व्यक्त कर रहा था, उस दौरान जैसा कि हमारी जानकारी माया मौके पर मैं नहीं था कि कुछ पुलिसकर्मियों की वकीलों से पुलिस के मुताबिक कोई किसी बात पर घासणी हुई, उन्होंने काम से रोका होगा जो भी था इशू। वकीलों कहना ये था हमने बदलवार नहीं किया बल्कि पुलिसकर्मियों ने हमारे सामने शूटिंग की, तो उस स्थिति में आया कंक्लूजन पर कि सब जांच का विषय है, एविडेंस है, कोर्ट परिसर में कैमरे हैं, अगर ऐसी घटना घटी है तो कानून अपना काम करेगा। वकीलों ने पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट के वायरल वीडियो के साथ ही एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वकील उप सरपंच से भी मारपीट की है, जबकि उप सरपंच हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार करता दिख रहा है। दरअसल दिल्ली में खाकी वर्दी और काले कोट के बीच हुआ विवाद पार्किंग को लेकर था। बताया जा रहा है कि 30,000 कोट में लॉकअप के सामने कुछ वकीलों ने अपनी गाड़ियां पार्क की, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की बात कही। तो बात विवाद में बदल गई। विवाद के बीच में पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें एक वकील घायल हो गया। फिर क्या था, मामूली पार्किंग का विवाद कानून के रखवालों की साख बन गई और दिल्ली की 30,000 कोर्ट का विवाद दिल्ली के साथ ही अन्य प्रदेशों तक भी पहुंच गया। फिलहाल हथियार के बूते कानून की रक्षा करने वाले रक्षक और किताबों की बदौलत कानून को बचाने वालों के बीच हुए विवाद का हल निकलता नहीं दिख रहा है।